एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं, देखिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जो बीपीएससी यानी कि बीपीएससी की 65वीं बीपीएससी की परीक्षाओं के बारे में दोस्तों है, एक ऑफिशियल नोटिस निकल कर आ रहा है। देखिए वहाँ पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए हम आपको जूम करके दिखा दें, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 19/6 यानी कि 2020 अभी थोड़ी देर पहले ही बीपीएससी यानी कि जो बीपीएससी की है यहाँ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों अगर आप बीपीएससी के हैं छात्र हैं या फिर बीएससी मेंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बात करने वाला है कि बीएससी मेंस का डेट क्या हो सकता है और दोस्तों इस वीडियो में बीपीएससी जो 65वीं थी उसके लिए जो है एग्जाम डेट की घोषणा कर दी गई है। तो आइए हम पहले इस लिंक पर क्लिक करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर लिंक पर क्लिक कर लिया है और दोस्तों हमने इसको नोटिस को डाउनलोड कर लिया है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग जवाहरलाल नेहरू मार्ग पटना। अब देखिए आवश्यक सूचना है क्या आज प्रकाशित किया गया है, आपको स्पष्ट रूप से पढ़ना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सूचना देखिए है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 65वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा जो 65वीं बीपीएससी की थी, 65वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त मुख्य परीक्षा दिनांक 25/7/2020, 26/7/2020 एवं 28/7/2020 यानी कि 25, 26 और 27 जुलाई को, देखिए 25, 26 और 28 जुलाई को संभावित है, आपको याद रखना है महीना 7 यानी कि जुलाई में संभावित है। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम यथासमय आयोग के वेबसाइट पर www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित किया जाएगा। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना। अब देखिए इस नोटिस से हमें क्या जानकारी मिलती है, देखिए जो बिहार लोक सेवा आयोग है यानी कि जो बीपीएससी है वह अपने कार्य पर पूरी तरह से लौट चुका है और विभिन्न परीक्षाओं के लिए जो है वो नोटिफिकेशन जारी करना शुरू कर दिया है। दोस्तों इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो बिहार में एसएससी मेंस यानी कि बीएसएससी की मेंस की परीक्षाएं बाकी हैं। देखिए आपको ये भी पता होगा कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले 2 लाख से अधिक भर्तियों करने का लक्ष्य रखा गया है और उसी क्रम में लगातार मुख्य परीक्षाएँ जो हैं आयोजित की जा रही हैं। अब देखिए इसी क्रम में जो बीएसएससी मेंस का जो एग्ज़ाम है वो भी हो सकता है कि आपको अगस्त या सितंबर में देखने को मिल जाए, तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए एग्ज़ाम जो है अगस्त या सितंबर में भी हो सकता है, तो आपको दोस्तों लगातार तैयारी करते रहना है क्योंकि एग्ज़ाम दोस्तों जो बीएसएससी द्वारा हो सकता है कि जल्द जारी किया जाए। हो सकता है कि देखिए नोटिस आपको जल्द देखने को मिले बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आपको दोस्तों लगातार अपनी तैयारी पर जुट जाना है। अगर आपने अभी भी अपना सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया, अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया, देखिए आप अपना जो है सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दीजिए और बीएसएससी मेंस के लिए आप प्रिपरेशन अपना पूरा कर लीजिए क्योंकि जो एग्ज़ाम है जल्द ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया जरूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।